हम आपको बता दें कि नए साल में आपको बधाई देते हैं और खबरें हजारीबाग की आप देख रहे हैं। खबरें हजारीबाग की ओर से आप तमाम दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विवेकानंद सिंह जी हैं और महामंत्री हैं भाजपा के। क्या साल में कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले नौ वर्ष की पूरे हजारीबाग जिला के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि नौ वर्ष सभी का मंगलमय हो और हजारीबाग जिला के साथ साथ पूरा झारखंड प्रदेश और पूरा राष्ट्र, जो हमारा भारतवर्ष, हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसा मैं कामना व्यक्त करता हूँ। तो बहुत ही गलत कार्य हो रहा है कि हजारीबाग में जो नगर निगम में जो चुंगी का जो नया नियम लागू किया गया है, इसका हम सिरे से खारिज करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से ग्रामीणों के, जो किसान वर्ग के जो अनाज आते हैं, साग सब्जियां आती हैं, मजदूरी है, ये सभी चीज़ हजारीबाग या जिले के लोगों को काफी महंगा उतना पड़ेगा। ही नहीं, बहुत सारे लोग, व्यापारी लोग जो हैं, वो अपना जो गोदाम है वो टाउन से बाहर रखे हैं, तो उनकी गाड़ी तो 10 बार भी जाती है, और वैसे स्थिति में क्या होगा? नहीं, ये तो काफी मैंने दुखद बात है कि इस तरह का नियम लागू नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ है तो इसका हम लोग सारे लोग विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पर सीरियस है, और इस विधायक और सांसद सभी लोगों के पास ये बात हम लोगों ने रखा है, और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। अगर आगे समय की मांग को देखते हुए अगर इस पर सुनवाई नहीं हुई, तो हम लोग झारखंड में हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री जी को भी घेरने का काम करेंगे। लेकिन आप तो कहते हैं कि घेरने का काम करेंगे, लेकिन कुछ कड़ी बात भी आपसे पूछने की कोशिश करता हूँ। हजारीबाग में अभी तो चुनाव भी होना है, आपका राष्ट्रीय लेवल पर चुनाव भी होना है, संगठन में फेरबदल भी होना है, लेकिन हजारीबाग में भाजपा में जो संगठन लेवल की बात है उसमें कुछ नज़र आता है, क्या कहना चाहेंगे? हजारीबाग का, भाजपा का संगठन बहुत अच्छा है। प्रदेश और के तरफ से जितने भी कार्यक्रम आए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री होने के नाते ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रदेश में हजारीबाग ने जो भी कार्यक्रम दिया है, बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से कार्य हुआ है, ये प्रदेश भी लोग जान रहे हैं। चुनाव जो अब आना है, इसको कैसे देखते हैं आप? वो तो प्रक्रिया है, हम हर एक संगठन में फेरबदल होता है एक निश्चित अवधि के बाद। तो अभी राष्ट्रीय लेवल में भी चेंजेज होगा, प्रदेश में स्तर में भी चेंजेज होगा, जिला और प्रखंडों तक अभी पूरा संगठन में चेंज फेरबदल होने की संभावना है। बात और पूछना चाहेंगे, आप कितने दिन से हैं बीजेपी में? हम करीबन 25 साल से बीजेपी में। 25 साल से जी। लेकिन जो लोग बीजेपी में नहीं थे और बीजेपी में आए, आपसे बढ़िया पोस्ट में है? ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पर जो निर्णय लेती है, वो हम एक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग उसको मानना है, और नहीं तो हम लोग का भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं, जो कार्य में लगाते हैं हम लोग लगे रहते हैं। आपको तो कुछ इच्छा जगती होगी ना कि भाई हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हमको तो कहीं पद नहीं ढंग से दिया जा रहा है, आपका पद भी तो होना चाहिए था उस एथी से, जब 25 साल से आप सेवा कर रहे हैं पार्टी का, लेकिन अभी तक नहीं। नया साल में कुछ आशा है? नहीं, ऐसा है कि हम लोग एक पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो जिम्मेवारी देता है उसको बेखूबी से हम लोग पालन करते हैं। तो अगर पार्टी देगी तो आप निभाने के लिए तैयार हैं? हाँ, अगर देगी और उस काबिल हमको समझेगी तो जरूर निभाएंगे। हजारीबाग के जनता के लिए कुछ नए साल में कुछ पैगाम? हजारीबाग की जनता, अभी पहले तो शुभकामनाएं मैं नव वर्ष की दे रहा हूँ, उसके अलावा अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद महोदय, विधायक जी, इसे अभी आने वाले नए बजट में नए रेलवे लाइन में नए नए रेल चलाने की, यात्री ट्रेन चलाने की संभावना है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी इसमें एक बहुत ही सराहनीय कदम उठा रही है। इसके लिए पब्लिक को, पूरे हजारीबाग जिले के तरफ से हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय और विधायक जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। तो ये थे विवेकानंद सिंह जी, और इनसे मेरी खास बातचीत।
खबरें हजारीबाग के लिए। धन्यवाद।